इस वीडियो में भाई हम जो कमेंट आपको आए हैं उनका रिप्लाई देने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला कमेंट है, भाई कौन से सेंटर पर था आपका? भाई हमारा जलंधर पंजाब में था। पेपर नोट कैसा आ रहा था? पेपर नोट इजी था, कोई दिक्कत नहीं। जो है 35 की 35 से कम भी स्पीड निकाल रहा, वो आराम से वहाँ क्वालिफाई कर जाएगा इंग्लिश में। और जो हिंदी में 30 की है 30 तक, तो वो भी क्वालिफाई आराम से कर जाएगा। सेंटर हमारा जालंधर था पंजाब में। भाई सामान अंदर लेके जा सकते हैं क्या? बैग वगैरह सब कुछ अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका सामान है। और अगला कमेंट है, मैटर कैसा आ रहा है? स्पेशल करेक्टर आ रहेंगे? स्पेशल करेक्टर नहीं, बस एक नंबर आया था 544 करके कुछ ऐसी, या कॉमे थे 2-4, बाकी कोई स्पेशल करेक्टर नहीं। लास्ट एंट्री किस टाइम तक हुई थी? भाई लास्ट एंट्री हमारी, हम 7 बजे गए हैं, बाकी हमारी एंट्री 8 बजे तक चली। प्राइवेट पार्ट क्लीन करके जाना था क्या? भाई बिल्कुल क्लीन करके जाना था, वो तो हाइट चेस्ट चेक नहीं किया गया क्या? हाइट चेस्ट नहीं चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हाइट चेस्ट में। भाई हमने इंग्लिश की टाइपिंग की या हिंदी की? हमने इंग्लिश की टाइपिंग की, और हमारी लगभग 42 की 44 की स्पीड आई, 44-46 ऐसी कोई। वर्ड छोटे छोटे हैं या लॉन्ग हैं? मीडियम है, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर पर कितनी स्पीड आती थी? हमारे घर पर स्पीड तो 45+ ही आती थी वैसे, और इतनी वहाँ आई नो डाउट 0.75 और 0.5 है आई स्पेस लगा हुआ है, क्या ले लेंगे? कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप जो चार्ट पढ़वाएंगे वो पढ़ देना, आपने वो पढ़ दिया तो आपको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। भाई ओबीसी फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है बताओ? तो ओबीसी की मेरिट मेरा जो अनुमान है वो 85 से 88 के बीच में जाएगी, 86-87 कितनी भी चली जाए पर 85 से ऊपर ही जानी है, इससे कम नहीं जाएगी। भाई हमने इंग्लिश की टाइपिंग की है। अगला कमेंट है, कौन सा सेंटर था? जालंधर था हमारा। कितने बच्चे पास हुए थे आपके बेस से? हमारे में टोटल लगाए तो हमारे में 6 बच्चे पास हुए हैं 19 में से। 19 की हमारी लिस्ट थी, 19 में से 14 प्रेजेंट थे, 14 में से 7 हम टाइपिंग पास हुए और मेडिकल में 1 छंट गए शायद, जहाँ तक हमारा उस दिन 3 का हुआ था, 4 बच्चों के थे, उनमें से 1 निकल गए। और अगला कमेंट है, मेडिकल सेम डे, हमारा मेडिकल सेम ही डे हुआ है, बाकी जो और बच्चे थे उनका पिछले डे टाइपिंग हुई थी, अगले डे उनका मेडिकल हुआ। जो उनमें से 9 बच्चे थे, 9 में से 5 क्वालिफाई हुए, 4 को रेमेडिकल मिला था उनका। हिंदी में कितनी स्ट्रोक आई थी या कितनी स्ट्रोक आनी चाहिए? हमारी 2400 के साइज थी, 2400-2300 इतनी की स्ट्रोक आई थी। सेंटर जालंधर हो गया, रिटर्न में नंबर कितने हैं? भाई नंबर का तो हमें ही पता नहीं है अभी कितने हैं हमारे, नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, कितने बढ़े कितने नहीं। बाकी वीडियो हैंड हो चुकी है, जो कमेंट था आपके बता दिए हमने, रिप्लाई दे दिया। जो भी कोई भी आपको और कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, दिक्कत कुछ नहीं। आप जाइए आराम से जाइए, टाइपिंग मेडिकल दीजिए और क्वालिफाई हो जाएंगे आप। जो यहाँ 35 की स्पीड आराम से निकाल रहा है इंग्लिश में, वो वहाँ भी 35+ ही जाएगा, इससे कम नहीं हो पाएगी। थैंक यू, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।